महाराष्ट्र विधानसभा में 3 महीने के बच्चे संग पहुंची विधायक। नासिक विधायक सरोज बाबूलाल अहिर की तस्वीर वायरल। कौन है विधायक सरोज बाबूलाल और क्यों पहुंची बच्चे के साथ? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र में शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी समेत कर्नाटक के साथ सीमा विवाद का मुद्दा गर्मा सकता है। वहीं पहले दिन शामिल होने के लिए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की विधायक सरोज बाबूलाल अहिर अपने नवजात शिशु के साथ महाराष्ट्र विधानसभा पहुंची। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र सोमवार से ही शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन नासिक विधायक सरोज बाबूलाल अहिर विधानसभा पहुंची। विधायक सरोज के हाथ में उनका 3 महीने का बच्चा भी था। उन्होंने अपने नवजात को लेकर विधानसभा भवन के अंदर हिस्सा लिया। इस दौरान अहिर ने कहा कि मैं एक माँ हूँ और एक विधायक भी, इसीलिए दोनों कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। सरोज ने कहा कि बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मुझे बच्चे को लेकर विधानसभा सत्र आना पड़ा। बता दें कि सरोज अहिरे ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में देवली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। सरोज को एनसीपी के युवा विधायकों में से उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। सरोज अहिरे ने फरवरी 2021 को नासिक के दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण वाघ से शादी की थी। 2.5 महीने पहले सरोज ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम फैन प्रवीण वाघ रखा है। उनका जन्म 30 सितंबर को हुआ है। सरोज के पिता बाबूलाल सोमा अहिरे 1978 से पहली बार विधायक बने थे। उनके निधन के बाद सरोज ने पिता की विरासत संभाली। शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए 7,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। विधान भवन, जहां विधानमंडल के दोनों सदन हैं, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास रामगिरी और देवगिरी पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सदन में दुधमुही बच्चे को ले जाने का शायद ये देश में पहला मामला है जब कोई विधायक अपने नवजात बच्चे के साथ विधानसभा पहुंची। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या वे अपने बच्चे के साथ विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुई या नहीं। वैसे लोकसभा की वेबसाइट पर इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। क्या कोई महिला सदस्य अपने बच्चे के साथ सदन की कार्रवाई में शामिल हुई या नहीं। हालांकि दूसरे देशों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए। ब्रिटेन में पिछले साल ही एक सांसद अपने बच्चे के साथ पहुंची थी। लेबर पार्टी की सांसद स्टेला क्रेजी को वहां पर रोक दिया गया था। उन्हें यह कहकर रोका गया था कि अगर यह परंपरा बन गई तो भविष्य में परेशानी बढ़ सकती है। केन्या की भी एक सांसद जुलेखा हसन अपने 5 महीने के बच्चे के साथ सदन पहुंची थी, जिन्हें बाहर जाने को कह दिया गया था। उनसे ये कहा गया था कि वे बच्चे को बाहर छोड़कर आ सकती हैं। उन पर संसद में कई सांसदों ने चिल्लाया भी था, जिसका विरोध हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।